देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप अब भी जारी। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2,76,110 नए मामले। देश में संक्रमितों की संख्या 2,57,72,000। संक्रमण से 3,874 लोगों की मौत। मृतकों की संख्या बढ़कर 2,87,122 हो गई। देश में 4 दिन के बाद 24 घंटे में संक्रमण से मौत के 4,000 से कम मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 6,725 नए कोरोना संक्रमित मिले। 238 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश का मामला। फ्रंट लाइन पर वार। कोरोना की दूसरी लहर में दोगुनी रफ्तार से संक्रमित हो रहे पुलिसकर्मी। 3 महीने में 204 आए चपेट में। चंडीगढ़ का मामला। कोरोना पर पीएम का जिलाधिकारियों से संवाद। गांव में अधिक ध्यान देने की जरूरत। टेस्टिंग बढ़ाएं। आप पर ही है सारे गांव का नतीजा। विटामिन सी से भरपूर हिमाचल प्रदेश के लहसुन की मांग दक्षिण भारत और विदेशों में अधिक रहती है। लहसुन की पैदावार में सिरमौर के बाद कुल्लू जिला दूसरे स्थान पर है। सब्जी मंडियों में किसानों को मिल रहे बेहतर दाम। आरएसएस की सीएम जयराम को सलाह। मंत्री विधायकों को लोगों का सुख दुख जानने भेजें ताजो सरकार तक लोगों की समस्याएं पहुंच सकें। हिमाचल कांगड़ा में हुई मीटिंग। ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाई करवाई जाएगी। स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का भी बजट खर्च किया जाएगा। हर खंड से 2 प्राथमिक विद्यालयों का स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए चयन होगा। प्रदेश में 18 से 44 साल के लोगों को 17 मई को टीका। अब 22 मई को टीका लगाया जा रहा। वैक्सीनेशन की अगली तिथि 24 मई को है। वैक्सीनेशन के लिए 2 दिन पहले 22 मई को स्लॉट बुकिंग होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला संक्रमण की स्थिति पर निर्भर। लूणों में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना के ताज़ा हालात देखने के बाद ही 24 मई को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में कर्फ्यू बढ़ाने पर लिया जाएगा फैसला। हिमाचल में 60 और कोरोना संक्रमितों की मौत। 3,050 नए पॉजिटिव। कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,70,074 पहुंचा। इनमें से 1,32,406 संक्रमित ठीक हुए। घुमारवीं मंडल की पडियालग पंचायत के बाड़ी गांव के 38 वर्षीय व्यक्ति कोरोना के कारण मौत। मृतक का 12 वर्ष का है बेटा। 3 महीने पहले ही मृतक ने एक बच्ची को लिया था गोद। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन के भीतर 7,531 लोगों ने कोरोना को मात दी। बंदिशें लगाने के बाद प्रदेश में बीते सोमवार तक 1,24,434 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ऊना जिले में 6 कोरोना संक्रमितों की मौत और 192 लोग संक्रमित पाए गए। जिले में अब तक 187 कोरोना संक्रमितों की हो चुकी मौत। ऊना केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिला ऊना के लिए भेजी मेडिकल उपकरणों की खेप। कोरोना संक्रमितों को उपचार में आएगी काम। सरकार हर घर पाठशाला और गूगल मीट के माध्यम से पढ़ाई को जारी रखने का तैयार कर रही। 2020 के आंकड़ों के अनुसार जिले में पिछले साल 17,070 बच्चे सेकेंडरी में शिक्षा ग्रहण कर रहे। इनमें से 200 बच्चों के पास कोरोना वायरस। पंजाब में 208 संक्रमितों की मौत। 6,407 नए पॉजिटिव मिले। 405 की हालात नाजुक। अस्पतालों में भर्ती 7,939 संक्रमितों को सांस लेने में परेशानी होने के कारण ऑक्सीजन सपोर्ट्स पर रखा। वहीं 6,407 नए मामले आए सामने। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 17,499। कांग्रेस में कलह। बाजवा ने दिया अमरिंदर को 45 दिन का अल्टीमेटम। कहा इसके बाद वे भी आजाद और हम भी आजाद। पंजाब के गढ़शंकर के टिब्बियां गांव में कोरोना के एक महिला की जान ले ली। उधर मौत के बाद महिला का स्मार्टफोन और आभूषण भी किसी ने ले लिए। पति ने गायब सामान वापस पाने के लिए होशियारपुर के डीसी से गुहार लगाई।